घायल बाड़ी फिर से बीच में पकर पकर बोले, एक बात सुन लो कि जब शेर के नाखून टीच टीच के गिर जाला लू होकर खाना खोरा के भी शेर ने कहीं देखे के पड़ेला। जितन जितन हार गलन ओही से का हो गेल पीहू। मामा जी हरलन तो नाना जी तो जीतलन नो। हमार पापा तो हार गइलन, दादू जीतलन। त देखो नाना जी जीत रहल बाड़न। हमार पापा जीतिहिन, हमार पापा जीतिहिन। सॉरी मामा जी, हमरा गलती से रुआ हार गईनी, लेकिन हम जो कहनिया वो खुद से ना कहनिया। हमरा के काम करे खातिर खुद बड़की मामी कह लिया। वो कह लिया कि कान्हा बाबू, हम ना पियो के बता देले बानी कि वो अपने पापा के कैसे जितई हन। तू अपने नाना जी के जितावल चाहत बाड़ा नू? हाँ ठीक बा। तू जब पीहू के पापा जीते जीते हुई हन, तू पीहू के जोर से चिकोटी काटिया। अगर चिकोटी काटा तो पीहू तो रोए लगी। उहे ता जब वो रोवे लगी हन, वो पीहू के पापा के ध्यान पीहू के तरफ जाई। और जैसे ही तहरा नाना जी के मौका मिली, वो तहर मामा जी के हाथ नीचे गिरा दी हन। लेकिन ये तो बहुत बड़ चीटिंग हुई मामी। कान्हा बाबू, जितना जरूरी जीत होला नू, उतना ही बड़ साजिश करे के पड़ेला सामने वाले के हरावे खातिर। यही से हम कहनी हा। अब बतावा मामा जी, केकर ढेर गलती है? हम तो अपन गलती खातिर सॉरी बोलत बानी। कोई बात ना बेटा, जादू खेला। तो बड़का प्रधान हो गई बड़ू, जिनकर काम पूरा गांव भर में न्याय करे के हो, आज वो अपने घर में अपने पति के साथ अन्याय कर रहल बाड़ी। कहल जाला कि पति और पत्नी एक शरीर के दो भाग, एगो सिक्का के दो गो पहलू होला सन। आधा आधा एक दूसरा के पूरा करल सन। शादी के बाद दोनों के आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाला। सूथा बड़ा बढ़िया जुड़लू हो। बड़का बुद्धिमान हो गई बड़ू। तो हमार पत्नी होके के बावजूद तू हमरा के हराए के कोशिश कर लो। एक तरफ हमरा माई के देखा, वो अपना पति के साथ खड़ा रहे, जितवा के दम ले ली। इराउर हार ना, इराउर जीत बा। भले ही रहुआ आज हार गई ने, लेकिन तने ये भी तो सोच के देखी कि अगर रवा बाबू जिसे जीत भी जाती तो का वो जीत के जश्न मना सकत रहनी हा? नानू, लेकिन हमार मन कहत बा कि आज हार के रवा भले उदास बाने, लेकिन राउर हृदय राउर के कचोटत ना हुई, कोसत ना हुई कि रवा अपन बाबू जी से हार गईलन। बड़का समझदार होगी बड़ू। तू पति के हरावे खातिर बेटी के इस्तेमाल कर लो, तो पता रहे ना अपन बेटी के आह सुन के, जैसे अश्वत्थामा के आह सुन के गुरु द्रोण भी भटक गए रहन, वैसे ही हम भटक जाए। और बाबूजी हमार हार के विकेट गिरा दें और हम हार जाए। हमरा के हारत देखे के तार मनसा तो पूरा गई।
लेकिन अब हम करब जौन हमारा के करे के बा। बाबूजी तारा ऊपरे जौन 3 लाख से ऊपरे के कर्जा चढ़ेले बड़न ना, ओकरा के चुकाए के जिम्मेदारी अब हमारा हो। अरे पुष्पा जी, गोर लगत नहीं हमारे फूफा जी। खुश रही खुश रही। लेकिन पुष्पा जी रुआ ना, आज मतलब बहुत बड़ा मौका गवा दिली रुआ। अरे हाकिम भैया के जो पंजा बा, शेर के पंजा निकला। अरे अमर बाबू के हाथ का ऐसा चीत कैलन, धाम धूम धड़ाक, सब कोई दंग रह गए। यही से कहल जाल नु कि साठा पर पाठा होला मरद। देखनी हमरे भैया के ताकत नु दिन प्रतिदिन बढ़त जाता। ई में कोनो डाउट नहीं छे। और ताकत तो अपन जगह पर बा। भैया जी के ठाट देखी आज रेवा। एक मिनट रुकी, हम बैक कमरा पर डालत है। आई देखी ठाट यार, देखी संध्या जी के है कैसे गुड़ दबावल जाते भैया जी के। यही मलाई वाला दूध। भौजी से बतिया है, एक मिनट आई नहीं भौजी। गोई लगा तनी भौजी। खुश रह बच्ची, खुश रह। आज नू खाली भैया के तेल मालिश से काम ना चली। आज भैया खातिर खूब नया नया अच्छा अच्छा पकवान बनावा और सबके दावत दो, बढ़िया वाला दावत, बुझलू। अरे यो कहे के बाबूजी, हां आज ऐसन ऐसन पकवान बनाइब नु कि तार भैया के पेट भरले ना भरी, पेट भर देबा के मन ना भरी। आ जानतारू आज सालों बाद तार भैया के हम ऐसन रूप देखनी हन कि हम का बताई। पहलवानी वाला रूप आज हम एकदम गद गद खुश बानी। आज हम सब के खातिर खाना बनाई, पूरा घर भर के हम दावत दे। हाँ ठीक बाबू जी, रखा तनी। अरे अम्मा जी, रउआ काहे खाना बनावत बानी? रउआ हटी, हम बना देत बानी। काहे से कि बाबूजी के जीती खुशी तो हमरा के भी बानू। हो सकेला खुशी तोहरो होके, पर जेकर मरद हार गइल बा ओकर मेरारू अगर खुशी मनाई तो सोचा ओकर पति के छाती छलनी ना हुई। आज कन्या प्रधान के पति अमर उर्फ अमरेंद्र तिवारी के खाना तारा तिवारी बनाई है। आज दोनों पति पत्नी हमरा हाथ के खाना खाई हलो। हमार छाती की तो जान होके गए, माय हो गई। अब इनकरा पीछे का है पढ़ल बढ़ू जा। अब इनकरों के हरावे खातिर कौन हूँ, नया कंपटीशन चालू होके वाल बका। आरती आज सबके नजर में हमार ना हार हार भइल बा। जो सबको ये बात जाना था कि जौन तारा ऊपरे कर्जा 1.5 लाख रुपया के रहे, अब वो 3.5 लाख से ऊपरे के हो गइल बा। हाँ तो देखते बड़ो ईजा खुशी मनावल जाता है जा। और अभी तो पता ना और ही कतना कौन कौन सा बात के खुशी मनाई जाइए घर में। बाप के सामने लड़ ले ला तो पेट ना भरल है कि आ गेल मेरारू के सामने हमर बेइज्जती करे। हम अपन बेटा के ऐसे ना जन्मावले रहनी है। हमार बेटा कुछ और रहल है, का जाने का हो गेल हमर बेटा पर, केकर रंग चढ़ गेल बा, क्यों अपना बदन गेल बा। अम्मा जी, हम रउआ से हाथ जोड़ के विनती करत बानी, पियो के पापा के अभी कुछ मत कही, उनकर कोनो गलती नहीं के। वाह, प्रधान तार कनिया बनी है, घर कनिया चलाई है, यहाँ तक कि तहार गलती के माफी भी कनिया मांगी है। हमार शेर जैसन हमार के आज हाल ऐसन हो गेल बा कि मेहरारू के आड़ में रह के वो सब काम कर रहल बा। कहल जाला मरद ऊ होखेला जे आपन हौसला से काम करेला, ई ना कि मेहरारू के हाँ में हाँ मिला के ओकरे बात के आगे रखे। अपन बाबू जी के देख के ना सिखलस, वो कहाँ और सीखी। फिर काबिल बनने की जरूरत नहीं थे, हम तारा से पहले ही कहनी हो। अब घर में सब कुछ हो बार बार होगी जब ना से तारा एक घर में हार के एहसास होके।
वो बिल्कुल ठीक कह रहे बनी अमर भैया। कि अभी घर में वो सब कुछ बार बार होखी जमुना से आरती भाभी के उनकर हार के याद दिलावल जा सके। लेकिन अमर भैया एक बार ये बात के जवाब थी कि आरती भाभी के हार के पीछे सच में के जिम्मेदार है। और आज हम खुद जानना चाहता नहीं अमर भैया रघुआ से, हम रघुआ से हाथ जोड़ के कहले रहनी है कि भैया बस एक बार शांत मन से विचार करके देखी कि अगर रघुआ चाचा जी के साथ होके वाला ही पंजा मुकाबला में हार जाए बनू जमन कर्जा बनू 1 लाख कर्जा पड़के 3 लाख रुपये की हो जाए। रघुआ तपाक से का जवाब दे रन हा? अरे ना जगत ना, चिंता मत करा, हमरा के अपने ऊपर विश्वास बा, पूरा विश्वास। अरे जवन कर्जा के एक बार चुकावल जा सकत रहे वो कर्जा भर के 3 लाख के हो गए। हम रघुआ से छोट पानी हमेशा वह कहनी है जवन रघुआ कहनी है और हमेशा सम्मान करनी है और हमेशा कर। लेकिन हमारे भैया आजू हमरा के ई बात कहे में तनिको गुरेज नहीं छे कि आज आरती भाभी के ऊपर जवानी 1 लाख रुपया के कर्जा बढ़ के 3 लाख रुपया हो गए लड़ू। वो कर्जा के सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार क्यों और ना रवा बानी बात खातिर अपना हाथ के कपूल नहीं पकड़ पाए। ठीक है कहा था सबको, जो कुछ भी भाईल बा वो सबके जिम्मेदार हम ही हैं। ना पियो के पापा, दोषी रहुआ ना, दोषी तो हम बानी, हमरा वजह से राउर ध्यान भंग हो गए। ली अरे ली ही आउर ली रहो खाई नीमन से खाली, आज अरसा बाद रोरा चेहरा पर खुशी के लकीर लोकता। अरे भौजी भैया जी तो आज कमाल न कर देलन, मैंने सबके मतलब सारा प्रेडिक्शन फेल कर देलन। हाँ भैया जी रघुआ एकदम सही कले रही कि राहुल शरीर में ना हड्डी नहीं के रॉड बाहु लोहा के। वैसे पापा जी हम क्या कहा था नहीं कि चाचा जी के जीत से हर क्यों के खुशी नहीं के मिलनु, नहीं मतलब ये बात खाते न इतना भोजन बनल बा कम से कम उस बात के एहसास तो होके के चाहिए नू। तो दुल्हन क्योंकि खाना में ध्यान रही तब नू खुशी के एहसास रही, अगर 3.5-4 लाख रुपया दे वही में चिंता लागा रही तो क्यों कैसे खुश रही। दीदी अभी खाना खा ली, खाना खेला के बाद में सोचब कि कैसे दिया और कैसे ले आई। संध्या के माई हम जब से ये घर में बानी तब से हमरा सबके बारे में सोचे के बा, केहू के खुशी की बात केहू के दुख की बात, आज तक हम कबहू एक तरफा भइल बनी जे आज ही दावत देके एक तरफा हो जाए। बड़की माई हम तो यही सोचा था नहीं कि कन्या प्रधान के लगे जितना पैसा रहा वो तो नकली जेवर में खर्च कर देली, अब 3-3.5 लाख रुपया ही तो माथा फोड़ के भी जमा न कर पाई है। दीदिया ये जो सब कोई बैठ करके अन्न खाता ना, जब ये अपन गहना गिरवी रख लिया तब तो ये सबका क्या अन्न बैठा था। अच्छा
तो आप ये सुने के बाकी रह गई हा? के कुनिया प्रधान के कमावल और हम काटली। बाबूजी, हम तो रउआ के कहले पर ही सब खर्चा चलावत रहनी है। पीहू के पापा के बात पे रउआ दिल पे मत ली। उनकरा के हार के गुस्सा में कुछ नहीं के बुझात कि उका सही कहत बानी और का गलत कहत बानी। आगल वाले ब्रेड पर बटर लगा दे, लेकिन वो जवान प्रधान के कष्ट दिखा रहा बालन हूँ। वो उनकरा के दिखाई कि एक दिन ये घर के बाहर और प्रधान के बोर्ड के ऊपर विधायक ओकर ऊपर मंत्री के बोर्ड लगी और वो पर नाम रही हाकिम तिवारी के। आज वे लखनऊ जात पानी और जा करके ऐसा अध्यक्ष जी से बात करो तानी। आपके विधायकी के चुनाव हम पक्का लवा पक्का रे बिखना गाड़ी निकाल के तैयार रख। कन्या, जौन तू हमारे बेटा के ढाल बना के केला खेल रहा बड़ू ना, एकरा खातिर नु हम तरह के जिंदगी पर माफ ना करब। इतार अधिकवा खेल खेलल नु देखिया कभी तारे का पर परा करके। अगर एक बार रहुआ एक पंजा लड़ावे के मुकाबला में चाचा जी से हार जाए नू तो 1,00,000 रुपया बढ़ के 3,00,000 हो जाए। पीहू के पापा, रहुआ बाबूजी के विरोध में पंजा लड़ा के मुकाबला कैसे कर सकता नहीं? आखिर रहुआ कैसे हाँ कह देनी? हम तो यही सोचा था नहीं कि कन्या प्रधान के लगे जितना पैसा रहा वो तो नकली जेवर में खर्च कर देली। अब 3,50,000 रुपया ही तो माथा फोड़ के भी जमा न कर पाई। पता बा तू हमरा के पंजा लड़ावे के काहे मना करत रहो। ये बात के एहसास बा हमरा कि हमरा साथ साथ तोहरा ऊपरे घर के मान सम्मान के जिम्मेदारी भी बा। तार ये खासियत बा कि तू आपन छोड़ के पूरा दुनिया के चिंता करेलू।
चाहे ओकरा खातिर कतना भी कष्ट सहे के पड़ो। हम तहरा जितना बड़ नहीं खीन उतना सहनशील है। तहरा मना करे के बावजूद हम बाबूजी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ तहार मान और सम्मान खातिर रक्षा खातिर खड़ा बहनी हूँ। अगर तू अपन संस्कार से बंधल बाड़ू तो हम भी अपन जिम्मेदारी से बंधल बानी। दोनों अपन अपन जगह सही बानी जा। अब जब तक हम तहरा ऊपर चढ़ल कर्जा ना चुका देब, चैन से सांस ना लेब। हम पैसा के इंतजाम करे के बहुत कोशिश कैनी है पर कामयाबी ना मिलल। इसलिए हमें घर छोड़ के जात बानी। आरती, हम तहरा के बिना बताए जात बानी। हमरा के माफ करिया और अपन ख्याल रखिया। तू और पिहू हमेशा दोनों माई बेटी हमारे दिल में रहो। हम जल्दी लौट के आए, हमारा इंतजार करिए।